आप देख रहे हैं UMH News। महिला उत्पीड़न की शिकायत पर जांच करने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने बोला हमला, राइफल और पिस्टल लूटी। इस वक्त की बड़ी घटना कानपुर देहात से निकलकर सामने आ रही है, जो हम आपको UMH News पर दिखा रहे हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली अंतर्गत कहीजरी चौकी पुलिस पर दबंगों ने किया हमला। महिला उत्पीड़न की शिकायत पर कहीजरी चौकी प्रभारी गजेंद्र पाल अपने हमराही सिपाही के साथ रात के समय भीकदेव कहीजरी जांच के लिए गए थे। तभी पुलिस के सामने की दबंग पीड़ित महिला के साथ मारपीट करने लगे। जब चौकी प्रभारी ने परिवार वालों को समझाने का प्रयास किया तो पीड़ित महिला के ससुर और पति ने घर वालों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर चारों तरफ से हमला बोल दिया, जिससे चौकी प्रभारी और हमराही सिपाही घायल हो गए, जिनका इलाज रीजेंसी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए और कर्तव्य का पालन करते हुए बहादुरी से महिला को तो बचा लिया, लेकिन खुद ही घायल हो गए। पुलिस टीम पर हमले की सूचना जैसे ही आला अधिकारियों को लगी तो आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दबंगों ने चौकी इंचार्ज के पिस्टल और सिपाही की राइफल भी लूट ली है। जबकि आपको बता दें कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले रफीक पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना की जानकारी पर कानपुर ADG जॉन भानु भास्कर भी मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम के साथ मारपीट और हथियार लूटने वाले अपराधियों को चेतावनी दी कि वह कड़े अंजाम भुगतने को तैयार रहें। ADG जॉन ने बताया कि वह चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है तथा अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। महिला देर शाम पुलिस चौकी में मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने की शिकायत की थी, जिस पर चौकी प्रभारी गजेंद्र पाल सक्रियता दिखाते हुए अपने हमराही सिपाही समर सिंह को लेकर रात के समय ही गांव जांच करने पहुंचे थे। तो पुलिस के सामने ही सह बेगम को अजमत ने पीटना शुरू कर दिया। तो वहीं चौकी प्रभारी और हमराही सिपाही ने महिला को बचाना चाहा तो दबंगों ने चारों तरफ से पुलिस टीम पर लाठी डंडे और एक पत्थर से हमला कर दिया। फिलहाल आला अधिकारी पुलिस बल के साथ गांव में मौजूद है। गांव को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर ने देर रात में ही रिजेंसी हॉस्पिटल जाकर घायल पुलिस कर्मियों से मिली और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आला अधिकारी अब दबंगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जिसके परिवारजन इसको परेशान कर रहे जी। तो उस खबर पे जो है, इसके पहले भी ऐसी कोई हुई थी तो उसकी ऐसी पुनरावृत्ति की आशंका से जी। हमारे चौकी की फोर्स उनकी मदद किया है। जब चौकी की फोर्स आया और परिवार को समझा बुझा रहा था तो परिवार के कुछ सदस्य एकाएक हिंसक हो गए जी। जब वो हिंसक हो गए तो सबसे पहले चौकी की फोर्स ने बड़ी बहादुरी से जी उस महिला को बचाने की कोशिश किया, जिसमें ज्यादातर उसको बचा लिया जी। लेकिन उस दौरान जो है, जब ये पाया गया ये जो बाकी लोग थे वो दुर्दांत किस्म के व्यक्ति हैं और दुर्दांत अपराधी होने के कारण साथ साथ जो है वो हिंसक हो गए। हिंसक होने के साथ हमारी जो चौकी की फोर्स को पीछे से घात लगाया जी, उसमें हमारे दो लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं जी। तो उनको पहले प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ CHC लिया गया। CHC ने फिर उनको उपचार करने के बाद से उनको रेफर किया गया, तो वो रिजेंसी अस्पताल में, वो रिजेंसी अस्पताल उनको देख के आ रहे हैं, दोनों होश में हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उपचार है उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो इस महिला के साथ ये हुआ था उनको अभी उपचार किया जा रहा है, वो भी जो डॉक्टर से कहना है अभी ठीक है, लेकिन अभी उनको अगले 24 घंटे तक देखा जाएगा। इसके साथ जो है, जो इन लोगों ने हिंसक घटना की है जी, उनकी अनुसंधान पता चला है कौन कौन लोग हैं, उनका नाम चिन्हित कर लिया गया जी। और हमारे साथ जिला अधिकारी साहब भी हैं और जिला अधिकारी साहब हैं और पुलिस अधीक्षक साहब भी हैं जी। उन्होंने सारे टीम बना के जितने लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तक चार लोग जो इस घटना में थे उनको पकड़ लिया गया है, बाकी लोग की खोजबीन हो रही है। हमें पूरा आशा है कि आज कल सुबह 9 बजे तक हम लोग काम। UMH News के लिए कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।